हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो आज हमारी वीडियो है अबाउट दी एडसेंस पिन वेरिफिकेशन। तो यार, सबसे पहले जैसे ही आपके $10 हो जाएंगे आपके ऐड रेवेन्यू का यूट्यूब में, तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा यूट्यूब स्टूडियो में। तो वहाँ पे आप अपना, वहाँ से आपको चेक पता चल जाएगा कि आपकी पेमेंट होल्ड हो चुकी है। तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जाएँ एडसेंस में, पेमेंट्स ऑप्शन में जाके अपना एड्रेस डालें, और एड्रेस के बाद एक ऑप्शन आएगा, ऊपर ही पॉपअप आ जाएगा आपके पास कि आप अपना फ़ोटो वेरिफिकेशन कराएं। जैसे भी आपकी फ़ोटो आईडी होगी, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, बट आधार कार्ड का मेरे टाइम पे उन्होंने लिखा था कि आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मेरे को रीज़न नहीं पता कि क्यों, बट आप देख के लगाएं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ के अपना आप आराम से फ़ोटो आईडी लगाएं, फ्रंट बैक का एक साथ ही। मैंने तो पीडीएफ में वोटर आईडी लगाया था और एक ही बारी में एक्सेप्ट हो गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जब आपका $10 कंप्लीट होगा ना, तभी आपके पास ये ऑप्शन आएगा। हो सकता है आपके YouTube में $10 आपको शो कर रहे हो बट AdSense में ना कर रहे हो, तो पैनिक मत हो, क्योंकि 12 तारीख को AdSense में अपडेट होता है। जब मैंने भी पिन जनरेशन किया था तब मेरे पास भी अमाउंट नहीं था जो AdSense में, अब $10 क्लियरली दिख रहा है। जैसे ही आप अपनी फ़ोटो आई डी डाल देंगे, उसके बाद आपके पास YouTube की तरफ से एक AdSense का लेटर आएगा 2 to 4 weeks के अंदर। लेटर भी यार बहुत यूनिक सा है, अलग सा है। अगर आप देखें तो मैं आपको क्विक खोल के दिखा देता हूँ कि कैसा सा लेटर है। तो उसकी साइड्स पूरी हमें कट करनी है, और साइड्स कट करने के बाद आपके पास एक यूनिक कोड आ जाएगा, सिक्स डिजिट का कोड। जैसे ही आपके पास आ जाए, कुछ नहीं करना, आपने जाना है ऐप के अंदर, और उसके अंदर होम पे ही आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन दिख जाएगा कहाँ से आपको अपना 6 डिजिट का कोड डालना है। जैसे ही आप अपना 6 डिजिट का कोड डाल देंगे, वैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा पिन, और आप इजीली अकाउंट में अपने पैसे ले सकते हैं फ्यूचर में, जब आपके $100 या उसके ऊपर हो जाए। क्योंकि $100 बेयर मिनिमम होता है, तो उसके नीचे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, बट जब भी हो सकेगा फिर आप आगे अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप अपना एड्रेस एकदम करेक्ट डालें। एड्रेस के आसपास जो भी नियर बाय आपका नियर बाय लोकेशन हो, जिसको करेक्ट आप बिल्कुल डालें, जो भी आपके आसपास जगह हो उसको आप लैंडमार्क की तरह डाल सकते हैं, ताकि कोई इशू ना क्रिएट हो। क्योंकि भाई ये लिमिटेड नंबर्स ऑफ ट्रायल्स होते हैं, और अगेन अगर आप इससे मैस अप ना करें तो अच्छा है, और फर्स्ट ट्रायल में भी हो जाए तो बढ़िया। तो मेरे केस में मेरे पास इजीली आ गया था लेटर विद इन 5 to 6 days, आई गेस 5 से 7 दिन पहले मैंने अप्लाई किया था और मेरे पास आ गया ये लेटर। हो सकता है आपके एरिया पर डिपेंड करे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि यार, ये 4 weeks के बाद ही आप इसको रीइनिशिएट करा सकते हैं अगर आपका एड्रेस गलत होगा, और शायद 3 से 4 ट्रायल आपको मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा देख के एक ही बार में पहली बार ही बेस्ट एड्रेस डालें जो भी आपका लैंडमार्क के साथ, ताकि आप वो चीज़ मिस ना करें। तो कोई भी दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो वेरिफिकेशन में, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।